बोल कमर छठ बाबा की जय। तो हाँ जम्मो हमर सुनैया बहिनी मल्ला, दाई मल्ला, दीदी मल्ला और हमर भाई मल्ला भी। कैसे भाई? हाँ दीदी। हम हाँ चौथा भाग के कमर छठ के कहानी सुनाए बर जात हन और बढ़िया सुंदर मन लगा के, ध्यान लगा के और तन लगा के सुनियो। अब ये बात ला मन में कभो मत सोचियो कि आज कमर छठ के दिन है तो आजे भर सुनन। और ये तो ऐसे कहानी है, ऐसे कथा है, तेला हमेशा सुने के जरूरत पड़ते। जब भी हमार बहनी मन हा अपन किचन से फुर्सत हो गए या घर काम बूता से फुर्सत हो गए, पतिला ड्यूटी भेज दीस, लड़का मलाई स्कूल भेज दीस, जब भी समय मिलते तब ये कहानी ला सुन सकत हो। ये कहानी के सुनेला हमेशा तन ला खुशी मिली, हमेशा घर द्वार में संपत्ति के भरपूर भंडार मिली और जतके सुना जाऊ उतके हमारे परिवार में सुख शांति होई। तो दीदी हो आप मल्ला में हाँ चौथा भाग के कहानी सुनाए बर जात हूँ, बढ़िया ध्यान लगा के सुनू और मोरों से कुछ गलती होई तो क्षमा देहू या चेतावनी से मोलो बताऊ, मोबाइल करके फोन करके बताऊ। तो बोल कमर छठ बाबा की जय। एक शहर में ना भाई? हाँ दीदी। अखंड देहाती गाँव है, शहर के तीन में रही थे। आजकल सब आदिवासी बसे में रही थे का? हाँ, बसे है। बसे है? हाँ। तो वो इसने जगह में ना गोड़ गोड़ रही से, गोड़ गोड़ी, गोड़ गोड़ी मतलब आदिवासी समझ जा। तो मन सात भाई और सात जन भाई के ओकर भाई, तो मतलब सात देरान जेठा, सात देरान। तो सात देरान जेठा रही से तो अच्छा परिपूर्ण रही समझन। लकड़ी बेचे जंगल में, लकड़ी काटा है और अपन शहर में आके बेचा है और ओकरे पैसा कमा के दाल चावल ले के अपन गुजारा करत रही से। ऐसे उकर मन के जीवन मस्त बीतत रही। तो छह जन के ना बढ़िया सुंदर बेटी बेटा हो गए और सब लजे छोटे रहे ओकर देवर, ओकर एको जन लोग लेकर नहीं रहीस, बाल गोपाल नहीं रहीस। ता छोटे वो कर देरानी है बड़ा चिंतित रहे, उदासी रहे बिचारी है कि मोर छह जन जेठ मन के लोग लड़का हो गए, एक एक जन के दो दो जन, तीन तीन जन हो गए, कोकरो चार जन हो गए और मोर काबर एको जन नहीं होते। ऐसे सोच के ना रोज भगवान के पूजा करें और रोज अपन जो भी अपन देवी देवता मानत रही हुई गोड़ गोड़ी मन आदिवासी मन वो देवता के पूजा करें। लेकिन दिन होकर इसलिए भी तो चले जाते, एको जन लोग लेकर ओकर गोदी में नहीं रही से। तो ऐसे एक समय आते तो आज कमर छठ के दिन में लकड़ी बेचे बर जब शहर में जाते ना, तो लकड़ी बेचे बर शहर में जाते तो कमर छठ के दिन वो गांव वाले मन, वो शहर वाले मन, गांव वाले मन कई ठन गांव में घूम घूम के लकड़ी बेचते, एक एक ठन गांव सातों जन थोड़े बेचते नहीं। कोनो एती के रियम चल दीस, कोनो वो गांव चल दीस, कोनो ये गांव चल दीस, ऐसे सब तीर तखार के गांव बगर के लकड़ी बेचे सुबह के निकले रहते मन और शाम के शाम फिर सब जन एक जगह इकट्ठा होके पैसा धर के तार चौर लेके फिर अपन अपन घर में आवे, फिर भोजन बनावे अपन खावे। ऐसे उकर दिनचर्या जीवन बीतत रही से। तो एक दिन कमर छठ के दिन हो लकड़ी बेचे बर वहाँ सब के सब गे रहा है। तो ये जब लकड़ी बेचे के बाद जब पुनः वापस आवत रहे ना, तो वही तीन चार बजे के बेरा जतका भी उपास वाले रहीन हमर बहनी मन, कमर छठ बाबा के जो उपास रही से वो बहनी मन हा मस्त दो ठोक सगुरी खन के काशी के फूल लगा के पेड़ लगा के केला संतरा मुसब्बी पसहर चावल लाई मुर्रा जो भी पूजा के सामान में उपयोग आते वो सब सामान रख के ओमन अपन कमर छठ बाबा के कहानी सुनत रही से, पूजा पाठ मन लगे रही सोकर। तो ये ला जो मन सातों जन गोड़ी मन देख डरी, गांव में इतना जन आदमी मन जुड़े है और का चीज होवा थे, का चीज के त्योहार मन मनावा थे, अब गोड़ गोड़ी जंगल के रहने है मन तिहार वाला का जानी का लगानी। तो गोड़ी मन ला अच्छा लगी सो यूं कर माहौल हा। तो मन खड़ा हो गए सबो जन सातों देरान जेठा, तो छह जन ला तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ी काबर उनकर लोग लेकर रही थे कर सती और जे छोटे रही से ना ओकर लोग लेकर नहीं रही से ओला प्रभाव पड़ीस। तो साधु बाबा जो बतात रही से या कोई दाई दीदी कहानी कहात रही से, पंडित हते कर कहानी ला बड़ा सुंदर वो ध्यान से सुन के अपन मन में ओला बसाईस और बसाए के जात में तुरंत जाके एक जन बहनी के तीर में जाके कहती दीदी ये का तिहार मनावत हो, ये ला का कहते अब एकर करे से का होते, का फायदा होते।
ऐसे करके बोली तो वो कहते बहनी तुमन कुछ नहीं जाना का ऐसे कहते नहीं 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 दीदी हमने एक बारे में कुछ नहीं जाना आप बता देना ऐसे कहते तो देख बहनी ते पूछा था तो मैं बताता हूँ कमरछठ बाबा के उपास रहे से घर परिवार सुख शांति होते जेकर बाल गोपाल नहीं रहे तेकर गोदी में पुत्र आ जाते जैसे कोई भी चीज जो भी चीज मंगवे ओला कमरछठ बाबा पूर्ति करते सुहागिन हमेशा बन के रहे सुहाग के पति के पुत्र के धन के संपत्ति के ही तो ये उपास है। तो कहती दीदी अगर मैं यहाँ सुन बरसा बेटा मांगू तो मोला कमरछठ बाबा दे दी का हाँ दीदी ऐसे की का के है ऐसे कहते नहीं वो मैं सुन बरसा बेटा मांगा था हाँ। तो मोला कमरछठ बाबा दे दी का हाँ। तो वो कहते गाँव वाले दीदी काबर नहीं दी हाँ ते मांग के देख ऐसे तो ठीक है तो कैसे मांगे चाहिए कैसे मांगना चाहिए तो कहते दीदी एक ठुक दुकान से जाके नारियल ले ला और ये फूल है मोर पास में फूल रख ले और नारियल और फूल अगरबत्ती धर के तोर मन से दोनों हाथ जोड़ के ते कमरछठ बाबा के पास में अर्जी विनती कर ले और तो जो कहना है वही कहबे कहते सुना था भाई हाँ दीदी हाँ। तो वो बिचारी के मन में लालाहित रहा है काबर ओकर गोद में पुत्र परिवार नहीं रहा है तो ओकर दिल में रहा है कि मोरो एक जन बेटा हो जतीस मोरो एक संतान हो जतीस मोरो गोदी है हरा भरा हो जतीस महू बेटा कह के दुलार पूर्ति कर लेते हो ऐसे ओकर मन में लालाहित रहा है। तुरंत दुकान में गिस और जाके कहते भैया एक ठोक मेरे को नरियर दे दे सके थे नरियर जाके लानीस और पान फूल और मेरे सबला धर के और अगरबत्ती धर के कमरछठ बाबा के पास वही सगुरी के पास जतना मेरे और दाई दीदी मन सब बैठे ने तीकर सबके बीच में और सबो कर जेठानी मन भी रहा है सबों के बीच में वो नारियल धर के कमरछठ बाबा लकीस के हे कमरछठ बाबा तोर आवत यही दिन के आवत ला तय मोर गोदी में बेटा जन्म देवे सोन बरसा बेटा देवे तो मैं यहाँ तोर उपास ल रही हूँ। हाँ दीदी का कही समझे हाँ। अब बहनी मन ला कहा तो समझो था नहीं वो गोड़ी ने कही कि आज तक मैं तोर नाव गाँव ला नहीं जाना हूँ बाबा ना मैं तोर पूजा पाठ ला नहीं जाना हूँ लेकिन आज ऐसे चीज देखे के बाद मोर मन में ऐसे हर्षित होई से अमूला बहिनी बताई से कि उपास रहे से बेटा के प्राप्ति होते पुत्र के प्राप्ति होते धन संपत्ति के प्राप्ति होते किस तो हे कमरछठ बाबा मैं आज तोर नाम ला दिल से मन से तोर पूजा करत हूँ और नारियल ला मैं तोर चरण में चढ़ावत हूँ मोला तय सोन बरसा बेटा दे दे यही दिन की आवत ला मैं तोर उपास और व्रत ला रही हूँ। हाँ दीदी ऐसे कही कि वो बचन बद होइस और नारियल ला चढ़ा दिस हाँ। अब वहां से तो ओकर बाद में सबो जन ओकर संगवारी में आए ओकर जेठानी रहा हाँ। मना लेने चल ना यार बहुत टाइम हो गए थे काय का करा था वस्ते यहाँ ऐसे कही क्यों ना फिर जी किला ले कि चलो ठीक है चलबो ना घर थोड़ा रुक जाए फिर प्रणाम वगैरह करके और जब वो दाई बहनी मन से आशीर्वाद लेके फिर वो अपन घर के लिए निकल गया। तो सबो के सबो आए लगीस तो रास्ता में आवत आवत ओकर जेठानी मन कहते वाह सोनबरसा के दाई अपन देवर ल देख के कहते सोनबरसा के दादा एक दिन दो दिन उसने की तोला थोड़ा चिड़चिड़ा सी लग गया अरे अभी कुछ नहीं है और मोला सोनबरसा के दाई और सोनबरसा के दादा कहा था ऐसे कह को मोला थोड़ा चिड़चिड़ा सी टाइप के लग गए ऐसने ऐसे अपन दिन बीत गई। अब ऐसे वो परम पिता के कृपा ऐसे वो कमरछठ बाबा के कृपा तो सही 8 दिन के अठुरिया 15 दिन के पाक 30 दिन के महीना के बीते के बाद सही में गर्भवती बन गई। और जब गर्भवती बनीस तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने जब बीते लगीस ना तब पूरा परिवार के आदमी मतलब पता चलते कि ये गर्भवती है। तो ऐसे अचानक 10 साल 15 साल के बाद में कैसे एक गर्भ में बच्चा रुक गए ऐसे कह के सबको वो चिढ़ाए लगीस ओकर से भावना अलग टाइप के बदल के बात करे लगीस और हमेशा वो कहा है ते सोनबरसा बेटा पहू कहके ते कमरछठ बाबा के पास में ते पूजा करे हस हाथ जोड़ के प्रार्थना करे हस अब सोनबरसा तोर बेटा हा तोर गोदी में आवा थे ते सोनबरसा के माँ और सोनबरसा के बाप ऐसे कहके ही मला बुलावे। हाँ दीदी तो लड़की ला तो कुछ नहीं लगे हाँ लेकिन जो का लड़का के बाप होने वाला रहे ना तेला ज्यादा गुस्सा लगे ते का कह दे सबके सामने में मोला रोज की चिढ़ावा थे ऐसे कह के बोला अपन भाई लडाटे हाँ भाई कहा तोला का करे बर है कहन देना हमार गोद में सोन बरसा ही बेटा आई और जैसे ये मैं सब कहा थे वैसने हो ये माँ चिल्लाए के और चिड़चिड़ाए के कोनो बात नहीं है अपन पति ला समझावे लेकिन ओकर पति है भाई मन के और अपन भौजी मन के बात में आके अपन भाई ला डांटे लगे अरे तोला करना रही से तोला बोलना रही से अकेले में जाकर ले रहे थे इकर मन के सुनो काबर करे हो बे। तो हर देरान जेठान के एक मन में अलग भावना जाग जाते चलो जागन दे
जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे कहते कहते कुछ दिन बीत गए, 5, 6, 7, 8, तो 9 महीना जैसे बीतने वाला रहीस ना, उसने वो कर आदमी है अपन भाई ला लड़ाई झगड़ा करके ते बार बार ऐसे करा था, बार बार वो करा था, वे ऐसे करके ना अपन भाई घर से निकाल दी। गोरिल्ला मोर भाई मन हम ताना मारा थे, मोर भौजी मन हम ताना मारा थे, निकल जा के जब आधा से आदमी है 9 महीना जब दिन पूरा थे तो अपन भाई निकाले का जरूरत, कितना मूर्ख है आदमी बता तो अपन भाई निकाल दीजिए, अपन भाई मन के कहनल मान के, अपन भौजी मन के कहनल मान के। वो गोरिन बिचारी भूल लगी सो गुस्सा, ठीक है अब मैं तो घर में रहबे नहीं करो, मैं जात हूँ। ऐसे करके वो अपन घर से निकल गए। जब घर से निकल गए तो कुछ दूर जाए के बाद में एक ब्राह्मण के घर रहा है, तो ब्राह्मणिन भी पेट में रहा है, तो वो ब्राह्मणिन है, वो ब्राह्मणिन ला देख के वो गोरिन है ओकर घर पहुँच गए। और पहुँचे के बाद में कहती दीदी तोरे असन महू हम तहूँ गर्भवती है, तहूँ गर्भवती हूँ, और रात्रि के समय होते संजा हो गए, मोला चार पहाड़ रुके पर जगह दे दे की। तो ब्राह्मणी रहा है तो कहते अरे यार तेहा नारी है तो नारी के दुख ला तकलीफ ला मैं नहीं समझू, तो कौन समझी, चल ठीक है तेहा साझे करके आदस, जतका दिन तोर मन लगे तत्का दिन मोर घर रह जा। अब कहा बात ना बताऊ भाई, बोला अपने घर में रख ले, और अपन घर में रख ले ब्राह्मणी ला गोरिल ला और ब्राह्मणी, दोनों गर्भवती रहा है और दोनों अपन एक जगह आना जाना तालाब खार खेत ऐसे होकर मन के मस्त सुख से जीवन बीते लगे। कुछ दिन के बाद 9 महीना बीते गए रहा है, 9 महीना 7 दिन 9 महीना 9 दिन 9 महीना 11 दिन के बाद प्रसूत की पीड़ा चालू हो गए, और गोरिन के भी और बमनिन के भी, तो दोनों जन के बेटा हो। देख बात कहां से कहां आगे, बहनी मन ध्यान लगा हूं मैं का बोला तो तेला चेत लगा के सुनियो, दोनों जन के बेटा हो, तो बमनिन के बेटा है हमर जैसे मानव। हाँ दीदी, जैसे सबके बेटा होते तैसे। हाँ। लेकिन गोरिन के बेटा है वहू हमरे मन जैसे हो, लेकिन वो गोरिन के लड़का हा ओकर नाक से भी पानी निकलती ते सोना होती, ओकर कान से भी गंदगी निकलती ते सोना होती, यहाँ तक के ओकर लैट्रिन बाथरूम भी होती ते सोना होती। हाँ दीदी, आज तक का कावर की वो सोन बरसा बेटा मांगे ना बेटा। तो जतका भी बच्चा के गंदगी ओकर काया से निकले ओकर बदन से निकले सब सोने सोन के निकले। हाँ दीदी, तो ये सोने सोन के देख के वो बमलिन ला देख मारी आगे, अरे मोर जो लड़का हा लेटरिंग बाथरूम कर रहे थे गंदगी कर रहे थे, वो गंदगी गंदगी है, मैं रोज कपड़ा धोवा था अभी एको दिन कपड़ा नहीं धोए, ते का लड़का जाते नहीं जाए। हाँ। गंदगी करते नहीं करके। हाँ। कोला देखे लगी ताके लगी, अब ताकी तो देखी तो लड़का सोन के हिंडा सोन के ढीढ़ जो भी गंदगी करे वो सोने सोन के, वो बमलिन ला हो गए लालच, अरे ये तो कमाल के बात है भाई, एक लड़का सोने सोन के है और सोने सोन के हंडा उगला थे और मोर लड़का मलमूत्र करा थे, नहीं तब मैं अब एक लेकर चोरावा। ऐसे कह के वो मन में ये कैसे षड्यंत्र रचीस, तो जैसे वो गोरिन है बिचारी है नहाए वहाँ पर घी सोही या कुछ काम करत रही सोही वो काम में भुला गए, अब ये बमनी ना ताक में बैसे रही से ओकर सोन बरसा लेकर ला धर के भाग गए और अपन लेकर लोकर खटिया छोड़ दी। समझा था बहनी हो, और सुनाओ आगे का होते, वो सोन बरसा लेकर धर के भाग गए, 2 गांव की 4 गांव की 6 गांव की 8 गांव की मतलब पता ऐसे गांव में गीस कि कोनो मोला जाने मत ऐसे। हां दीदी, अरे जानित नंगा के जाई। हां नंगा के जाई ते केलो भागते गीस बहुत दूरे चल देते अनजान बन के, और कुछ दूर में जा करके हितई सोही, हिताए के बाद में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन से करते करते बहुत दूर निकल गए। हां दीदी, एक एक बात हो गई। अब ये डहन देखिस बमनी ना गोरी ना, अरे मोर लड़का हा तो मलमूत्र नहीं करत रही से, मोर लड़का तो कोई भी चीज गंदगी करे तो पूरा सोना सोना करात रही से, लेकिन ये कैसे हो गए। अब जानिस कि नहीं अब ये लड़का मोर नो है, मोर लड़का धर के देखिस पता करिस कहाँ है दीदी है बमनी ना कह के, तो बमनी ना था पता नहीं है, वो लड़का था पता नहीं है, समझ गए कि अब मोर लड़का वो चोराग भाग गए कह के, अब यहू खोज में निकल गए। अब मैं तो ये बता था भाई, हाँ दीदी, खोजते 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 कम से कम बोला 15-20 साल हो गए, 15-20 साल जब वो लड़का 15-20 साल में कतका जान होगी सही। हाँ, 15 साल के हो गए 15-20 साल के हो गए और ऐसे दिमाग लगाई बमनी ना कि वो लड़का ला धर के जाके एक सोन बरसा शहर बसा लीस, और सोन बरसा शहर बना के तरिया नंदिया खेती खार गाय गरवा
धन संपत्ति रुपया पैसा पूरे एक बस्ती बना दी। काबर सोन रात दिन संझा भी अन्य सोन उगला थे तेकर पास कोई धन की कमी रही हाँ। नहीं रहा है पूरा सोने सोन माला माल। ये एतिक बात हो गई। अब ये बमनी रहा खोजत 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 ओला भी 15 साल हो गए हाँ। जब से लड़का गोल है तब से खोजे पर निकल गए थे वो तब वो अपन लड़का धर के खोजत बिचारा रहेला बमनिन के लड़का ला ले चल रे बेटा जाबो रे अब तहु ल तुम्हें गोरस पिलाए हां मोर बेटा यस और वो मोर बेटा वो पाले पर लेगे हुई मारे भर थोड़े लेगे हुई वो पालत हुई। तो ऐसे खोजते खोजते जब जाते तब पता चली तो वहां कोई सोनवर्षा नाम के गांव बसा है और वो रहा के राजा के आदेश है कि जब तक कोई आदमी ला राजा तक खबर नहीं मिली तब तक अंदर के बाहर नहीं जा सके बाहर के अंदर नहीं आ सके। हाँ दीदी। अब ये मन महतारी बेटा गीस भले मरबोत मरबो कहके ना कोनो मल्लिन घर या कोई सियालिन घर रुक गए गांव में पता चले तो हमारा दरबार में बलाक लेगे। हाँ। अरे हमार बिगर आदेश के तुम कैसे कोनो आदमी हमार गांव रोक ले ऐसे कहके। हाँ दीदी। तब जाके जब बला के लाली जाओ कौन है कैसा आया है कौन है इसे के हाँ। तलाश करी तब लेगी हाँ। तो बिचारी गोड़ी रहते है अपन कापत रहा है मोला कहीं मत के दे राजा महाराजा अब मैं कैसे एल मोर बेटे के कहूँ 15-20 साल हो गए छोड़े हाँ अब कैसे एल मोर बेटे के कहूँ दिए मोल मानी नहीं मान सके। भाई जेकर पास में है जे ओकर सेवा कर रहे थे 24 घंटा ओकर साथ में ओला वो हमेशा माँ कहते अब मैं जाके अचानक तय मोर बेटा कहूँ तो कैसे मानी हाँ दीदी नहीं मान सके नहीं मान सके। तो एकर लिए पहचान चाहिए हाँ। तो पहचान के लिए जब राजा वाला दरबार में बलाते ना हाँ। तो वो राजा दे मेर थूक थे ना हाँ। थूक दाल रखे रहे थे हाँ। कचरा तीही मेर जाके उतीर वैसे बैठे चुपचाप हाँ। सियानी ना हाँ। और जाप जाग बैठी तो अचानक राजा खांसी ऐसे ऐसे करी हाँ। सोन की लहर ठन गिर गई कचरा डब्बा में डाल दी हाँ। तो कचरा डब्बा में डाले तो वो कर जो रखवाड़ा है ते टप लधरे काबर की वो सोने सोने थूक होती तनी धरती हाँ। खखार होती तनी धरती हाँ। वो तो सोने भैया 24 घंटा ओकर संग 4 जन 8 जन आदमी आगु पाछु लगे रहा है तो वो ठंड के बाजिस ना सोना जब कचरा डब्बा में तो जान रिस बस यही हरे मोर बेटा अब भले मरहुत मरहु लेकिन तय मोर बेटा आज कहीं हूं भले मरहुत मरहु लेकिन तय मोर बेटा आज के कहीं हूं जो भी हो जाए ऐसे के ओकर मन में एक ताकत आ गई हौसला बुलंद हो गई बलैस कहा है उमला बला ऐसे कहके बलैस तो कहते हाँ का बात है माँ कहाँ से आज कैसे आज कैसे बगर पूछे आगे ऐसे कह बलैस तो दीही मन हरे बाबा हमारे गांव में जबरदस्ती आए कहाँ से आए थे कैसे आए थे कुछ पता नहीं है तय पूछ बताई कि राजा हर पूछे लगी कहाँ से आओ कौन कहके तो दोनों हाथ जोड़ के कहते राजा महाराज भले हमला मार ले चाहे पीट ले चाहे जो भी हमला दंड देवे सजा देवे हम वो सजा और दंड ला भोगे पर तैयार हैं लेकिन तय मोर बेटा है जैसे कि हाँ सुना तो तय मोर बेटा है कि हाँ। राजा हड़बड़ा जाते हरे माथ में मुकुट पहने हैं लकलक 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 दिखा थे दगर दगर ओकर काया भरा थे सोन और चांदी में लदे है यहाँ तक के थूकत है तवनो सोन होते अब सोच ले मैं कतका ओकर वर्णन कर रहा हूँ हाँ दीदी। अब वो राजा ला कोनो आक अचानक तय मोर बेटा कही तो ओकर दिमाग नहीं हुई खराब राजा के दिमाग खराब हो गए राजा के दिमाग खराब हो गए आप कहाँ से आए हो आप कौन हो कैसे आप मुझे बेटा कहते हो और ते काहे करस दादा हम तो चरण में आन गा तो राज्य में आन तो घर में आन ते मारस ते पीटस ते कोई भी सजा दे हम तो सजा भोगे पर तैयार है लेकिन तय मोर बेटा है हाँ दीदी ऐसे कह के राजा के तो राजा भी है थोड़ा 2 मिनट के लिए सोची भाई हर कोई आदमी तो मोला बेटा कह नहीं कह सके लेकिन अतेक एकड़ में का हौसला बुलंदी है ये महतारी के ते मोल बेटा कह के सीना ठोक के कहा थी कि तय मोर बेटा है तब मैं एला प्रमाण पूछा हूँ इसे कि थे हाँ दीदी कसदाई तय मोल बेटा है कहा था तब मैं तो सिरतुन के बेटा हूँ हाँ हाँ बाबा ते मोर सिरतुन के बेटा है तब तोर गवाही सबूत कुछ तो तोर पर परक हो ही हाँ। कि तय मोल बेटा कहा था तो फिर कि तय मोर बात ला सुनबे तो मैं बताऊंगा और नहीं सुनबे तो कैसे बताऊं हाँ दीदी चल बोल बोल मस्त बैठारी सोला बैठारे के बाद में बोली दाई चल ठीक है बोल तहु हमरे असन मनखे चाहमु तोरे असन मनखे यार काबर नहीं सुनबो हाँ। भाई राजा यार राजा के राज में रहना है तो हाजी हाजी कहना है यानी कि राजा के चल ही अरे प्रजा के भी चल थे
राजा ला बोलला प्रजा सुनत है और प्रजा के बोलला राजा सुनत है तब जाके संसार चलत चलत है। बोल बोल सुनू कथे तो मोर पहचान बतावागा कथे। हाँ बता दाई कि मैं के बेटा कमरछट बाबा के उपास रहे हूँ। सुन वर्षा बेटा पाओ कहके मैं तोर नाम से जप करे हूँ और जैसे आज ते मोर गोदी से जन्म ले हस मोर पेट में सचरे हस तब से तोर जतका भी तोर चाचा है तोर चाची है तोर बड़े दाई है जतका तोर परिवार है तोर पिताजी के ओमन मोला झगड़ा करके लड़ाई करके घर से निकाल दिस। मैं दूसर के घर में मैं तोला जन्म दे हूँ बमनिन के घर में। अब ये बमनिन के बेटा है बेटा तोर उम्र एकर उम्र एक होता हो और एक एक दो दो दिन के आगे पीछे दोनों के जन्म है। तो मैं सोन वर्षा बेटा मांगे हूँ कमरछट बाबा से तो कमरछट बाबा मोला सोन वर्षा बेटा दिस। अब ये तोर बमनिन दाई है तोला चोरी करके भाग के धर के ले लानिस। वो दिन से मोर दिल है तड़पत बेटा वो दिन से मैं तो रो रो के तोला खोजा था कहाँ मिली कैसे होई का होई। मैं कितना पूजा नहीं करे हूँ कितना पाठ नहीं करे हूँ कितना देवी देवता के मंदिर मिली गए तब जाके मैं तोला पाए रहूँगा। और जैसे तोला पाए वैसे मोर कोरा के नंगैया भी कोई तैयार हो गए। हाँ दीदी आवाज तोला खोजत खोजत मोला 20 साल हो गए बेटा मोर आँखी झांझर हो गए मोर आँख के आंसू सुखा गए मोर खाना पीना हराम हो गए मोर चैन हराम हो गए अबक मरो तबक मरो ऐसे मोर जी हो गए। वो तो अच्छा है कि आज अंतिम समय में ते मोर मुलाकात हो गए। हाँ दीदी तत्ते अभी थूके हस और वो सोन के झीढ़ा निकली से वही से बोला सबूत मिले से बेटा वही गवाही है। लड़का सोचते रहे ऐसे बात है नहीं तो तब तोर माल बलाक पूछ लेगा कि किस। हाँ। तो राजा कहते ठीक है जाओ दाइल बुलाक लानबे के अपन नौकर मल्ला की चपरासिल की हाँ दीदी मंत्री मल्ला की सब साइड में रहते मल्ला। हाँ। तो जाके बुलाते रानी साहिबा आपला राजा दरबार में बुलावा थे। अरे अचानक मोर बेटा मोला किस दरबार में बुलाई। हाँ। अतना दिन अतनी बुला रही से नहीं 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 तोर बुलाते इसी वक्त जल्दी चल के थे अब आते तो भाई चोर के जी हो हमेशा फुटकी में रही थे। हाँ। अरे चाहे पुलिस रहा है चाहे आओ घर के साधारण आदमी रहा है। हाँ। अगर कोनो आदमी को चोरी कर रहे थे ना तो आदमी ऐसे हमेशा डर में। हाँ, कि मोला कोनो काही मत कहे। हाँ। कोनो मोला काही मत कहे ऐसे कह के। हाँ। तब ओकर मन में डर हो गए। हाँ, आज अचानक मोल कैसे बुलाते ऐसे जब गिस ना तो कहते काय बेटा ऐसे कहते दाई एमन कोने थे पहचाना था नहीं पहचाना था किस देख माँ झूठ मत बोलते सही बोल किस हाँ पहचाना था बेटा तो मस्त पहचाना था तो फिर तू कैसे करना चाहिए। हाँ दीदी और अतेक बड़ी गलती काबर करेस। तो बेटा के सामने राजा के सामने अब का बोले चोरी तो कर डरे है। हाँ। लेकिन राजा भी अपन दिमाग में लगाइस अगर चोरी भी करके मोला नानी सोही तब पालेज भर नाने है मारे भर नहीं नाने है। तो माहू बहुत सारा बात ऐसे मेरे कि दाई ते चोरी करे है तो ऐसे हरकत काम काबर करेस और ये सब चीज ला अगर कर भी लेते मोल बताए काबर नहीं मैं बहुत पहले मतलब बुला लेते हूँ बहुत पहले बात ना मैं यहाँ खुलासा कर देते हूँ बहुत पहले हम सब एक दूसरे से मुलाकात कर ले रहते हैं और खुशी से जीवन जीते हैं लेकिन ते मुझसे छुपा के काबर रखे डैट इज बहुत। तो कैसे करे बेटा डर के मारे मैं छुपा दे हूँ डर के मारे तो बताए नहीं हूँ और बताते तो फिर लाते कहाँ खोज के निकालते कैसे करते। तो नहीं माँ तो हर माता एक होते तय माता वो माता में कोई फर्क नहीं है वो भी मोला गोरस पिला के पाले है और वो भी अपन कोख से मोला जन्म करे है मोर बर दोनों माता एक है। ऐसे करके अपन माता ला बला आलम दुलम के साथ घर में रखीस नया वस्त्र पहनाइस और बढ़िया और वो बमनी ना अपन घर में लेगीस। ठीक है बहनी मोर से बहुत बड़े गलती हो गए मोला क्षमा दे लेकिन एकर मतलब का निकलते कर्म विधान अगर कर्म में अच्छा कर्म करे रहोगे तो कर्म का फल हमेशा ही मीठा रहेगा कभी वो खट्टा तीखा नहीं होगा। हाँ। तो कर्म गोड़िन बिचारी है अच्छा करीस कमर छठ बाबा से वरदान मांगीस और ओकर वरदान हा ओकर कर्म के फल से मिलीस। हाँ दीदी और कर्म के फल से बोला बेटा सोन वर्षा की तो बेटा सोन वर्षा मिलीस और आज 20 साल के बाद बेटा बिछड़ गिरी से दोनों बेटा मिलीस। तो हमार दाई दीदी हो आप मल्ल हम ये बात बताए बर जाथन कर्म विधान है आप पेड़ लगाओ और फल की चिंता मत करो अगर पेड़ की बराबर आप मेहनत करोगे सेवा करोगे तो एक दिन वो पेड़ फल हमला अवश्य दी। एक बात दूसरी बात जे जेठानी मन वाला चिड़चिड़ा रही से ओकर पति घर ला निकाले रही से वह मल खोजत खोजत
कति मेर सोन वर्षा सहार है, कति मेर सोन वर्षा राजा है, जिहा बहुत पैसा मिलते, बहुत सोना चांदी मिलते, दो रुपये का सामान है 20 रुपये में बेचाते, तो कौन ऐसे दुकानदार नहीं हुई बेचते है दो पैसा कमाऊँ कह के ज्यादा पैसा मिले के नहीं जाई। तो ओमन लकड़ी बेचते बेचते वो सोन वर्षा सहार में पहुँच गए, ओला कौन देखिस वो गोरिन है, गोरिन सभी झल्ला देख के अपन जेठानी ला जेठ ला सब झल्ला बुलाइस और सारा बात और कहानी के सारांश ला बताइस कि तुमन मुला सोन वर्षा के दाई और सोन वर्षा के ददा कह के चिढ़ावत रहे, यही सोन वर्षा के ददा है और मही सोन वर्षा के माया और ये मोर सोन वर्षा बेटा है और ये सबो चीज है कमर छठ बाबा के देने। हाँ दीदी, ऐसे कह के समझाइस और पूरा परिवार समझा के रखीस। वो इसने आज हम हमारे बहनी मल्ला चेतावा था कि लगन लगा के प्रेम लगा के और मन लगा के पूजा करना है, कोनो भी देवी देवता ला मनाना है तो दिल से मनावे, जरूर आप मन के सुहाग हा हमेशा मस्तक हा बिंदी में चमकते रही, मांग हा सिंदूर में चमकते रही, पति के हमेशा समय समय में पति तोर हमेशा तोर जीवन साथी के जीवन बढ़िया रही और बेटी और बेटा से घर द्वार भरे रही। ये हमार रही से चौथा भाग के कमर छठ की कहानी। बोल कमर छठ बाबा की जय।